हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दितिमन। हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। बैराट जयपुर के अलावा किस स्थान से हमें बुने हुए वस्त्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो देखिए, बैराट जयपुर से तो हमें बुने हुए वस्त्र मिले ही हैं, इसके अलावा बालाथल से भी हमें बुने हुए वस्त्र के अवशेष मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 34। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गणेश्वर सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सीकर जिला नीम का थाना तहसील से प्राप्त हुए हैं। तो हमने बालाथल सभ्यता पढ़ ली, कालीबंगा और आहट सभ्यता हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था, और अब हम गणेश्वर सभ्यता से संबंधित सभी प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, गणेश्वर सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? तो गणेश्वर सभ्यता को ताम्र संचित संस्कृति के नाम से जाना जाता है। गणेश्वर सभ्यता जो सबसे प्राचीन सभ्यता है, यहाँ से हमें सबसे पहले तांबे के अवशेष जो है वो मिलते हैं, यानी सबसे पुरानी सभ्यता कही जाती है, इसीलिए इसे ताम्र सभ्यताओं के जननी भी कहा जाता है। गणेश्वर से कौन सा तांबे के उपकरण पश्चिम तथा मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था? तो यहाँ देखिए, यहाँ पर दोहरी परतदार शिरा वाली तांबे की पिन जो है वह निर्यात की जाती थी मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया में। गणेश्वर सभ्यता से कितने प्रकार के मिट्टी के पात्र या मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं? यहाँ हमें दो प्रकार के मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए हैं। लोहा कालीन पुरातात्विक स्थल राजस्थान में कौन कौन से हैं? तो अब देखिए, जहां से हमें लोहे के अवशेष मिले हैं तो ये है बैराट सभ्यता, सांभर, बागोर और रेन सभ्यता। बैराट राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बैराट जो है वह राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। तो आज हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें हम सभी सभ्यताएं जो है वो उसके सभी क्वेश्चन आंसर देख लेंगे। नेक्स्ट देखिए, बीजक की पहाड़ी भीम की डूंगरी का संबंध किस स्थान से है? तो यह बैराट से ही संबंधित है, बैराट स्थल से ही संबंधित है। राजस्थान की किस सभ्यता से एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? राजस्थान के किस सभ्यता से एक कमरे से 36 चांदी की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? तो यह बैराट से ही प्राप्त हुई हैं। पांडवों ने एक वर्ष का अज्ञातवास कहाँ बिताया था? तो इस बैराट में ही, विराट नगर के नाम से जो जाना जाता है, यहाँ पर पांडवों ने एक वर्ष का अज्ञातवास बिताया था महाभारत के अनुसार। राजस्थान में मौर्य काल का मुख्य केंद्र क्या रहा था? तो देखिए, जो बैराट सभ्यता है वह हर युग में ही यहाँ से अवशेष जो है वो मिलते हैं, पाषाण काल से लेकर मौर्य काल तक यहाँ अवशेष मिलते हैं। तो यहाँ मौर्य काल में मुख्य केंद्र रहा है बैराट। किस स्थान से अशोक के भाब्रू शिलालेख और बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो अशोक के भाब्रू शिलालेख और बौद्ध मठ के अवशेष जो है वो मिलते हैं बैराट स्थल से। नेक्स्ट देखिए, 36 चांदी की मुद्राएं जो बैराट से प्राप्त हुई, उनमें से कितनी भारतीय यूनानी शासकों की हैं? तो 36 चांदी की मुद्राएं हमें मिली थी बैराट स्थल से, तो इसमें 28 जो मुद्राएं हैं वह भारतीय यूनानी शासकों की हैं। 36 चांदी की मुद्राओं में से कितनी मुद्राएं जो हैं वो पंचमार्क हैं? तो यहाँ पर 8 मुद्राएं जो थी वह पंचमार्क थी। नेक्स्ट देखिए, कहाँ की खुदाई से स्वास्तिक और त्रिरत्न चक्र के चिन्ह जो है वो अलंकृत घड़े, दीपक, नाश्ता पक्षी, पत्थर की संदूक, लोहे की कील और हस्त निर्मित वस्त्र प्राप्त हुआ है? तो यह बैराट सभ्यता से हमें प्राप्त हुआ है। यहाँ पर हमें स्वास्तिक चिन्ह मिला है, त्रिरत्न चक्र के चिन्ह से युक्त जो है वो घड़े मिले हैं, दीपक मिला है, नाश्ता हुआ पक्षी मिला है, पत्थर की संदूक मिली है, लोहे की कील मिली है और हस्त निर्मित वस्त्र भी मिला है। तो यहाँ पर हमने पूरा चैप्टर जो है वो अच्छे से कवर कर लिया है, हर क्वेश्चन जो है वो हमने यहाँ पर देख लिए हैं। आप लोगों का काम है कि बार बार इन क्वेश्चन को पढ़ना और वीडियो जो है वो स्टार्टिंग से एंड तक देखना है, ताकि हर चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आप लोगों को समझ में आ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।